कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सरप्राइज 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 बहुत हो गया सरप्राइज़। आप लोग भी अब परेशान होंगे कि किस बात का सरप्राइज़ सैमा ने देना है। तो जी सरप्राइज़ बता दूँ भाई, सरप्राइज़ ये है कि अंकल अकबर की आज तीसरी शादी है, ये वाला सरप्राइज़ है। तो ये लोग आ गए हैं, अंकल अकबर आए हैं, दिलवर भाई आए हैं, चाचू अनवर आए हैं और साथ उनका बेटा है, तो ये आए हैं। तो सरप्राइज़ यही था कि अंकल अकबर की आई तीसरी शादी है। तो हमें शादी दरअसल हमने मजबूरी में करनी पड़ी। उनकी दूसरी वाइफ कहाँ है, वो किधर है, वो तो हम बाद में बताएंगे, ताकि अभी उसको बताने का कोई टाइम नहीं है। तो ये हम दिलवर भाई के साथ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, दुल्हन की शॉपिंग करनी है। मेरी कज़न अंकल अकबर की जो अब शादी हो रही है वो है मेरी कज़न, बता दूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए बहावलपुर, यजमान से बहावलपुर। तो बहावलपुर से हम कुछ यानी कि ज़्यादा नहीं, कुछ कपड़े ख़रीदेंगे, कुछ यानी कि कुछ दिन की हम शॉपिंग करेंगे। बाकी ये लोग कह रहे थे कि हमने जाके कराची पे हमने सामान लेना है, तो जितने दिन ये लोग यहाँ पे, तो उतने दिन के लिए हम यहाँ से ना शॉपिंग करेंगे। तो फ़िलहाल आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये है जी नवाबों का सिटी में हम पहुँच गए हैं तकरीबन बहजमान से बहावलपुर। तो ये देखिए कि हमारे जो जानवर भी नवाबों की तरह रहते हैं, सड़कों पे नवाबों की तरह चलते हैं। ये देखिएगा, ये कसम से मर्जी है यहाँ के लोग ऐसे हैं, दिल चाहे तो रास्ता देते, दिल चाहे तो रास्ता भी नहीं देते। खैर मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम हुआ पड़ा था, मज़े वाला मौसम था, यानी कि अल्लाह की रहमत हो भी दो दिन से मौसम भी काफ़ी ठंडा था। तो ये देखिए, ये हम जा रहे थे बहावलपुर में भी, तो रास्ते में रुक के वो जानवरों की मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे यहाँ पे ना ज़मीनें वगैरह भी काफ़ी हैं। तो रास्ते में ये देखो छोड़े, ये हम पहुँच गए हैं शॉप पर, कपड़े वाली शॉप। हमने एक रेड कलर का सूट लिया, एक थोड़ा सा हैवी ड्रेस लिया। तो ये हमने क्या कि वो दूसरा ड्रेस उतार के ना ये पहन लेंगे। हमने 3 से 4 ड्रेस लिए हैं उनके, और माशाल्लाह बहुत प्यारे ड्रेस हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ताकि शॉप में इतना ना, एक फ्राइडे था तो एक कोई कोई शॉप ओपन थी, जुमे के टाइम हम लोग ना मार्केट में पहुँचे थे तो कुछ शॉप थी जो ओपन थी। तो ये ट्रेड सेंटर की ना फर्स्ट शॉप है, यानी कि शॉप ना मार्केट ऑफ हो गई थी जब हम लोग पहुँचे हैं। तो फिर हमने ये दूसरी शॉप से 2 ड्रेस लिए हैं, माशाल्लाह इतना प्यारा ये ड्रेस, मुझे दोनों बहुत प्यारे लगे, तीनों ड्रेस बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए हम ये ड्रेस वगैरह ख़रीदे हैं सारे, तो बहुत प्यारी शॉप है। रेशमी कपड़े यहाँ लोगों ने कपड़े भी अच्छे लेने हो और डिस्काउंट में भी लेने हो तो वो लोग यहाँ से ले सकते हैं। शॉप का नाम ना मुझे याद नहीं है, भूल गया, लेकिन वो मैं ना आपको बता दूँगी। फ़िलहाल तो आप ये शादी इंजॉय कीजिएगा अंकल अकबर की तीसरी। तो तीसरी दुल्हन जो है वो हमारे, अब ये मैंने बोला था ना कि ये रिलेशन जो है रिश्तेदारी में तब्दील होने वाला है, तो वो तब्दील आज हो गया है। तो आप लोगों ने ये भी बता दूँ कि किसी ने शॉप पे कपड़े अच्छे भी लेने हो और सस्ते भी लेने हो तो ट्रेड सेंटर की जब इंटर होंगे फर्स्ट पे शॉप है इनकी, नाम मुझे अब भूल गया यार, नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है, वाइट कलर का, इतना प्यारा ये बना हुआ था ना बस। तो लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं ख़रीद लेती, तो ये हमने वक्ती तौर पे हम ये ड्रेस पहनाएंगे, ताकि ये हैवी बहुत ज़्यादा ड्रेस है। तो फिर हमने उसको कहा कि बाद में ना वो उतार देंगे, यानी कि ये हम वक्ती तौर पे ये लिया, लहंगा लिया हमने, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हम ट्रेड सेंटर से अब निकलने लगे हैं, ट्रेड सेंटर से निकल के हम साथ लेंगे अब शूज़ उनकी शॉपिंग करने लगे। साथ ही सिल्क की शॉप है शूज़ की, आप लोगों में मेरी फेवरेट शॉप है वैसे, तो वहाँ से लेंगे हम। ये देखें ये शॉप पे आ गई है, तो मेरी ये फेवरेट शॉप है, मैं तकरीबन बहुत अरसे से इसी शॉप से शूज़ ले रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना हमारी दुल्हन भी यहीं से ले। तो ये दुल्हन कौन है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत दुल्हन है। तो हमारी दुल्हन की जो एज है वो 25 साल है, तो दुल्हन की एज ज़्यादा नहीं है, 25 या 26 है, हाँ हद 26 होगी। तो यहाँ से उनके शूज़ लिए थे कुछ हम लोगों ने, ये बूट भी देखने शुरू कर दिए जॉगर, लेकिन अच्छे थे, डिस्काउंट लगा हुआ था, लेकिन हमने ना भाई हमने ये अपने पैसों से लिए हैं। तो जिम के लिए आपको बताया था, जिम करनी, जिम के लिए हमने ये शूज़ लिए हैं, तो जिम वाली वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप लोग शादी इंजॉय कीजिएगा, दुल्हन हमारी देखिएगा,
तो उसके बाद हमने शॉपिंग की कंप्लीट, फिर हम गए KFC, अब हम जा रहे हैं घर, फिर हम आप लोगों को शाम को दिखाएंगे अंकल अकबर का 5 बजे। निकाह अल्लाह।